15 दिसंबर 2002 अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कुमार वारिस बना सकते हैं, कुमार माइक भी बना सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना है तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो क्या कहो उनको। दूसरे जो कुमार है उनको क्या कहो, कुमार वारिस बना सकते हैं, कुमार माइक भी बना सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना ही है तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो सोने का वक्त पूरा हुआ, जागो। और क्या कहेंगे बाहर के कुमारों को, कहो हम भी कुमार, आप भी कुमार, आओ तो आपको कहानियां सुनाए। 15 दिसंबर 2002 अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कुमार वारिस बना सकते हैं, कुमार माइक बना सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना ही है, वह दिन आना है तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो क्या कहो उनको। आप भी कुमार, हम भी कुमार, आओ तो आपको कहानियां सुनाए। कौन सी कहानियां? उससे तो मुक्त होना है, कल कहा ना। अब इस कीर्तन मंडली को समाप्त करो, समझा? कल के मुरली की अंतिम लाइन। अब इस कीर्तन मंडली को समाप्त करो, फुल स्टॉप, समझा? समझा क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं बाहर के कुमारों को क्या कहो, आप भी कुमार, हम भी कुमार, आओ तो आपको कौन सी कहानियां सुनाएंगे उनको। सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी। और कौन सी कहानी? कुमार जीवन कैसे श्रेष्ठ है वह कहानी। और कौन सी कहानी? स्वयं के उत्थान और पतन की कहानी। उन्हें याद दिलाना है आप ही श्रेष्ठ थे, महान थे। और बताओ, थोड़ी अच्छी कहानियां बताओ, कौन सी कहानियां सुनाएंगे। पिंजरे का पंछी कैसे बंधन में रहता है वो कहानी। और रेवा बहन जी, कौन सी कहानी सुनाएंगे कुमारों को? भगवान के अवतरण की कहानी। और नए विश्व के संस्थापना की कहानी। और श्रेष्ठ हो, महान हो, आदि सनातन। आजकल के युवक ये सब सुनना चाहते हैं क्या? उनको कहेंगे ये हम बाद में सुनेंगे, 60 के बाद। दो बाप की कहानी सुनना चाहेंगे? सिनेमा जाने वाला, पार्टी जाने वाला, गीत गाने वाला, ये कुमारों को कौन सी कहानी सुनाएंगे? बेहद की फिल्म की कहानी। बेहद के फिल्म की कहानी, अच्छा। और टेंशन फ्री होने की कहानी, व्यसन मुक्ति की कहानी। और उन्हें त्याग की कहानी सुनाओ, बलिदान की कहानी सुनाओ, क्रांति की कहानी सुनाओ। ऐसी कहानियां सुनाओ कि जिससे क्रांति की ज्वाला धधक उठे। ऐसी कहानियां सुनाओ कि उनका खून में उबाल आए, थोड़ा गर्म हो जाए खून। ऐसी कहानियां सुनाए कि जिसमें एजिटेशन,
उद्वेग उत्पन्न हो जाए, क्रांति उत्पन्न हो जाए, विचारों को धक्का लग जाए, ऐसा कुछ उनको सुनाओ कि जो रुक जाए, उनको जैसे आभास हो जाए हम कहां जा रहे हैं, नरक की ओर। भारत में रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, अपने देश के लिए, अपनी झांसी के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया, बलिदान की कहानी है वो। इतनी कम आयु में ऐसी वीरांगना, 1857 की जो नायिका थी उसने अपना जीवन राष्ट्र की वेदी पर अर्पित कर दिया। कितना बड़ा त्याग है, क्यों इस देश के लिए इतना प्यार था, क्यों कुछ नहीं सोचा, स्वार्थ को बाहर रख दिया, बाजू रख दिया और अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्यों? जब तक इस देश के प्रति ऐसा प्यार, वो केवल यही हो सकता है, इस यज्ञ की ही कोई आत्मा हो सकती है, और कोई आत्मा ऐसी कर नहीं सकती। तो तुम भी कुमार, हम भी कुमार, आओ तो आपको कहानियां सुनाए, बलिदान की कहानी, त्याग की कहानी, समर्पण की कहानी, क्रांति की कहानी, विप्लव की कहानी, स्वाधीनता की कहानी, संग्राम की कहानी, महासमर की कहानी, ऐसी कहानियां। सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, पता है ना, बुंदेले हर बोलो के मी मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 1857 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। जहां जहां त्याग है, जहां जहां बलिदान बलिदान है, जहां जहां संपूर्ण निस्वार्थ भाव है, वहां महान घटनाएं घटित होती है, और ऐसी अगर कोई एक भी आत्मा कर दे तो वह आदर्श बनती है विश्व के लिए। तो जगाओ उनको, कहो आओ तो आपको कहानियां सुनाए, तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, अज्ञान निद्रा में जो सोए हैं, खोए हैं, भटके हैं, भूले हैं, उनको जगाना है, उनको समीप लाना है, ये बहुत बड़ा महान कार्य है जो हम सभी को करना है। इसके बाद एक दूसरी मुरली है, ये मुरली बहुत ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जो मुरली है, इसके जो महावाक्य है, भारत के या विश्व भर के जितने ही सेवा केंद्र है, फ्रेम करके बड़े अक्षरों में सेंटरों में लगाए गए हैं। कौन सी मुरली है? हाँ, संपूर्ण पवित्रता की, जो बाबा के धर्मराज का स्वरूप था, 15 नवंबर 2003 की ये मुरली है। पवित्रता की, पवित्रता के ऊपर चली हुई संपूर्ण सबसे श्रेष्ठ मुरली। इसमें क्या, जो एक एक महावाक्य है जो बीच से, वो ऐसा महावाक्य है कि होश उड़ा दे, जिसमें बाबा ने कहा है ध्यान से सुनना, दोनों कान खोल के सुनना। अब दत्तवाणी 15 नवंबर 2003। बाप दादा को खुशी होती है
और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है, कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो कुमार अपने हमजींस को जगाओ, अच्छा है कुमार यह कमाल दिखावे की स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार युद्ध कुमार डबल कुमार है। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए। बाबा कह रहे हैं कि चेक करे, करे ऑर्डर, इसमें हाथ नहीं उठा रहे। मशीनें होती है चेक करने की, लाई डिटेक्टर टेस्ट होती है, कोई अगर झूठ बोल रहा है तो पता चलता है, एंटी ड्यूपिंग टेस्ट होती है स्पोर्ट्स में। अभी अभी ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया, एंटी ड्यूपिंग टेस्ट। कुछ ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिसमें शरीर से ताकत आती है, कुछ इंजेक्शन है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स जिसमें पावर बढ़ जाती है, तो उसकी टेस्ट होती है। अगर किसी ने वो इंजेक्शन, वो तो बहुत ही जिसने जिसके ऊपर हुई अभी अभी ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में, उसका कहना है कि किसी ने उसके खाने में वो मिला दिया। तो एंटी ड्यूपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, यहां है प्यूरिटी टेस्ट। चाहे कोई कितने ही डिंगे मार रहा हो, हाक रहा हो कि हम बहुत पवित्र है, बाबा कह रहे हैं तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए, करे ऑर्डर, इसमें हाथ नहीं उठा रहे। मशीनें होती है चेक करने की, स्वप्न तक भी अपवित्रता, हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है, कुमार अर्थात कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी, कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी, कुमारी अर्थात अनटच्ड। कुमारी और कुमार और कुमारिया यह बाप दादा को प्रॉमिस करे कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो संकल्प स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता, तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है, अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है। अपवित्रता की अविद्या हो क्योंकि नया जन्म लिया है ना, अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है, मर्जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए, पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारिया कितनी है, अभी देखेंगे कुमारिया यह आवाज फैलाती है या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है, माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में ना कुमारियों में ना कुमारों में ना अधर कुमारों में कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। यहां से वो वाक्य चालू हो रहे हैं बाबा के, जो सभी सेवा केंद्रों पर लगे हुए हैं। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है, होता भी है, तो यह क्या है, बहुत बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है, ऐसा नहीं समझना यह तो चलता है। एक एक लाइन याद कर लो, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण, हो गया
ऐसे छूटेंगे नहीं। मंडे का वरदान याद है ना शाहू भाई, मंडे का वरदान तो याद है ना, माफी मांग ली, हो गया, पश्चाताप कर लिया, छूट जाएंगे, छूट नहीं सकते, निशान रह जाएगा, रजिस्टर साफ स्वच्छ पवित्र नहीं कहा जाएगा। अलबेले नहीं बनो इसमें, कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारिया कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, कौन सा गीत, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना, सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुनना, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या, क्योंकि समय समीपता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। इसमें यह चीज तो पूरी ही सफेद कागज पर काला दाग है। 15 नवंबर 2003। चलो बाबा की आवाज में सुनते हैं, सभी अलर्ट होके बैठ जाए। डायरी, एक मिनट डायरी। Thank you.
ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह क्या है? बहुत बड़ा पाप। अपवित्रता का कार्य, अपवित्रता के संकल्प, अपवित्रता की भावना, अपवित्रता की कल्पनाएं, अपवित्रता का संबंध, अपवित्रता के संपर्क, अपवित्रता के बोल, तुम्हारे बोल में विकारों की वायु न हो, तुम्हारे हंसी मजाक में विकारों की वायु न हो, तुम्हारे मैसेज में, व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कहां पर भी विकारों में रुचि न हो, ऐसा कोई भी संदेश, कोई भी चित्र न हो, लेन देन ना हो जो कि मन को देहभान की ओर लाता हो। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। पवित्रता ही आधार है, पवित्रता ही फाउंडेशन है, पवित्रता ही जीवदान है, पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है, पवित्रता ही इस नवीनता है, इस ब्राह्मण जीवन की नींव, कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। पवित्रता ही रॉयल्टी है, ब्यूटी है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, पब्लिसिटी है, पर्सनैलिटी है। पवित्रता ही ब्यूटी है, पवित्रता ही स्वधर्म है, पवित्रता ही मूल संस्कार है, अनाथि संस्कार है। पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन का सब कुछ है, बल है, शक्ति है, श्रृंगार है, खजाना है, सब कुछ। पवित्रता, ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह बहुत बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। कौन कह रहा है? जो कृपालु है, जो दयालु है, अल रहमान अल रहीम, द मोस्ट कंपैशनेट, ये उसी का ही दूसरा स्वरूप है। सब कुछ चलेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं समझना, यह तो चलता ही है, दूसरे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, नहीं, संकल्प में आया, बाबा कह रहे नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है, नॉवेल्टी, नवीनता ही पवित्रता की है यहां पर। नहीं तो संसार में हजारों धर्म है, 4000 से भी ज्यादा धर्म है, 4300 कुछ, मुख्य उसमें से 300, मुख्य उसमें से भी 12, मुख्य उसमें भी 4,
ऐसा नहीं कि पवित्रता की शिक्षा उन धर्मों ने नहीं दी। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो द्वापर से हर जगह हुई है, सभी धर्मों में है, परंतु फिर भी बाबा कह रहे नवीनता ही पवित्रता की है। वो जो पवित्रता थी वो गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं थी, केवल संन्यास आश्रम के लिए थी। पवित्रता सन्यासी रहते थे पवित्र, सभी के लिए। ये किसी ने नहीं कहा कि सभी को पवित्र रहना है, पति पत्नी सब। ब्रह्मा बाप ने अगर खा लिया खाई तो पवित्रता के कारण, अगर पवित्रता ना होती तो इस संस्था में इतने हजारों लाखों लोग जुड़ गए होते तभी से, तभी से ही। संसार में बहुत सारी संस्थाएं जैसे चालू हुई तेजी से वो फैली, संसार की संस्थाएं भी, धार्मिक संस्थाएं, परंतु यहां बहुत विरोध हुआ, बहुत कुछ सहन करना पड़ा सबको, मार खानी पड़ी, कलंक लगे, बहुत कुछ हुआ। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण, हो गया ऐसे छूटेंगे नहीं, कर दिया हो गया छूटेंगे नहीं, माफी इस ड्रामा में नहीं हो सकती, जो किया है उसको पश्चाताप करो या कुछ भी करो, फल तो उसका आएगा। अलबेले नहीं बनो इसमें, कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे समर्पित, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा, ब्रह्मा बाबा भी न्यारे हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेवा केंद्र निवासी, चाहे समर्पित भाई, चाहे समर्पित बहन, चाहे कुमार कुमारी गृहस्थी, कोई भी, चाहे एक दिन वाला, चाहे दो दिन वाला, चाहे एक हफ्ते वाला, एक महीने वाला, छह महीने वाला, एक साल वाला, दस साल वाला, तीस साल वाला, साठ साल वाला, कोई भी। नवीनता ही पवित्रता की है, फर्स्ट सब्जेक्ट ही पवित्रता है। चाहे कितना भी ज्ञान योग किया हो, कितने भी सालों से मुरलियां पढ़ रहे हो, चिंतन कर रहे हो, क्लासेस सुन रहे हो, सुना रहे हो, कर रहे हो, करा रहे हो, चाहे कितनों को भी कोर्स करा दिया हो, चाहे कितने भी सेंटर खोले हो, चाहे कितने ही सेवा केंद्रों के प्रभारी हो, कुछ भी हो, अगर ये चोट लगी तो की कमाई चेक्ड। जो भी चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, योग किया, योग की भट्टिया की, सब एक तरफ हो जाएगा। चाहे कोई भी ब्राह्मण, चाहे समर्पित गैर समर्पित, सेवाधारी मधुबन के सेवाधारी या सेवा केंद्र के सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाले, प्रवृत्ति में विकारों में गए, ज्ञान मिला, पवित्र जीवन बना, लंबा समय तक पवित्रता का पालन किया, मधुबन में आए, सम्मान हुआ और फिर गए और फिर गिरे। काम विकार की आंधी ऐसी चलती है कि सब कुछ बहा ले जाती है। वासनाओं की आंधी ऐसी है, वो वासना ये नहीं देखती ये कौन है, क्या है, कितना इसने योग किया और कितना इसका पुरुषार्थ है और कितना इसका मनन है और कितना उसका चिंतन है, कहाँ रहता है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम प्लेस एंड पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन, द सुनामी ऑफ लस्ट फ्लोस। चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। विवेकानंद ने कहा है, आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स, आउट। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए
आधा गृहस्थी है और आधे सन्यासी है, रहना है तो यहां रहो या अदरवाइज आउट। उनके आश्रम में एक भाई था, एक सन्यासी, जो बार बार घर जाता था, बार बार संपर्क रखता था। इधर हियर और देयर, बी हियर और आउट। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा, चाहे कितने ही आंसू बहाए हो 18 जनवरी की सुबह, चाहे कितने ही प्रेम भरे स्नेह भरे पत्र लिखे हो, बाबा कौन सा रूप धारण करेगा? धर्मराज का साक्षी हो जाएगा वो। इसलिए कुमार कुमारिया कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है, छोटी नहीं समझना, बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, इस शरीर को पवित्र रखना, इस शरीर की एक एक इंद्रिय को पवित्र रखना, इस शरीर की एक एक इंद्रिय शीतल हो जाए, उत्तेजना उद्वेग समाप्त हो जाए, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। मन अर्थात संकल्प, विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, फैंटेसीज, इमेजिनेशंस, सब कुछ। इसमें हल्के नहीं होना, थोड़ा कर लिया क्या है, बाबा को कह रहे हैं थोड़ा कर लिया है, ज्यादा नहीं किया है। बाबा क्या कह रहे हैं, इस वाक्य को याद करो, याद रखो। कौन सा वाक्य? चार लाइन का वाक्य है, चार शब्दों का वाक्य है, थोड़ा नहीं है कॉमा बहुत है, पांच शब्दों का, थोड़ा नहीं है कॉमा बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे, ये वही है प्यार का सागर बोल रहा है, ये वही है कृपालु दयालु रहम दिल बोल रहा है, ये वही कहता है कि बाप को सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा। ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ मर्सी, ये वही बोल रहा है, ये याद रखना, ये उसी के महावाक्य है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे, मैं आया हूं तुम्हें बचाने, ये वही है जो वो ये बोल रहा है, इसमें बच नहीं सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, मैं लूंगा अर्थात। बाप कहते मैं तुम्हें पलकों पर ले जाऊंगा उठाकर, तुम बाबा की गोद में बाबा तुम्हें ले जाने आया है, ये वही कह रहा है, इसको भूलना नहीं। अच्छा हिसाब किताब, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, कहां भी हो। इसलिए therefore सावधान, attention, इसलिए सावधान कॉमा attention full stop।
भगवान कह रहा है अटेंशन, भगवान कह रहा है सावधान, भगवान कह रहा है हिसाब किताब लेंगे, भगवान कह रहे हैं एक को भी नहीं छोड़ेंगे, भगवान कह रहे हैं चाहे कोई भी हो। सुना? सभी ने ध्यान से सुना? सभी ने ध्यान से? दोनों काल कान खोल के सुनना, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग ना हो, टचिंग की बातें चल रही है। स्थूल कर्म, स्थूल टचिंग नहीं, वृत्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, दृष्टि भी देह की तरफ ना जाए, देह की रसना, इंद्रियों की रस, विनाशी रस, कल का वरदान, देहभान का आकर्षण, लोहे की जंजीरें और सूक्ष्म धागे सब कुछ तोड़ने वाले जो है वही बंधन मुक्त है, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, वही मन रस का अनुभव कर सकते हैं, वही मनमना भाव की स्थिति है। दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? वो तो बहुत आगे की बात है। संकल्प भी नहीं, कितना ध्यान रखना पड़ेगा संकल्पों पर, कितना मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा कि मुरलियों की विचारों में केवल मुरलियों के ही वाक्य है। एक एक वरदान का कितना अध्ययन, एक एक मुरली का कितना गहन अध्ययन करना पड़ेगा, कितना योग की तपस्या करनी पड़ेगी कि यह देह आकर्षित ना करे, यह देह की तरफ ध्यान ना जाए, यह देह को देखने की इच्छा ना हो, देह अस्थि पंजर लगे, यह देह मिट्टी जैसा अनुभव हो, देह को देखना और देह से खेलना और देह को स्पर्श करना शुद्ध कर्म है। क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। क्यों? 2003 की मुरली है। समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। कौन सा समय है? बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर क्या है? काला दाग। इसके लिए संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा को आज फिर से दोहराना है। ये वीडियो जिनके पास है, ये ऑडियो है, फिर उसे सुनना है। ये जो महावाक्य है, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, ढूंढो इस मुरली को और अपनी डायरी में नोट करो, बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि याद हो जाए।